गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आई हैव गिवन यू लेसन नंबर 1 नोट्स, हैव यू कंप्लीटेड? क्या आप लोग लेसन नंबर 1 के नोट्स कॉपी में कंप्लीट कर लिए? कॉपी एंड बुक नहीं किए हैं तो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? नाउ कम टू लेसन नंबर 2, वेस्टेड विशेस। वेस्टेड विशेस मतलब जो चीज़ें, विशेज मतलब कोई इच्छा, ठीक है? विश मतलब क्या होती है? हमारी इच्छा। और वेस्टेड मतलब बेकार, जिसका कोई यूज़ नहीं है, वेस्टेड विशेज। लिटिल सोनू एंड रानी वर ब्रदर एंड सिस्टर। दे ऑलवेज यूज टू क्वेरल विथ वन अनदर। इफ़ यू सी देम क्वेरलिंग यू वुड से दैट दे वर नॉट ब्रदर एंड सिस्टर बट एनिमीज। क्या बोल रहे हैं? छोटा सोनू और रानी दोनों भाई बहन थे, लिटिल दोनों बच्चे थे और दोनों भाई बहन थे और हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। क्वेरल मतलब लड़ना, हमेशा लड़ते थे एक दूसरे से। तो बोल रहे हैं अगर आप उनको लड़ते हुए देख लेंगे तो आप बोलेंगे कि वो भाई बहन नहीं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। एनिमीज मतलब दुश्मन हैं। वन डे दे वर इन अ गार्डन। आई डिडंट वॉन्ट टू कम टू दिस गार्डन सेड रानी। आई वॉन्ट टू गो टू पार्क बट यू ऑलवेज डू वॉट यू लाइक यू नेवर डू वॉट आई लाइक। एक दिन वो दोनों गार्डन में थे और रानी ने पूछा मुझे गार्डन नहीं आना था, मुझे पार्क जाने का मन था, लेकिन तुम तो हमेशा अपनी मर्जी का करते हो, जो तुम्हें करना रहता है वो ही तुम करते हो, कभी मेरी मर्जी पूरी नहीं करते हो। ओ यू आर द मोस्ट सेल्फिश गर्ल सेड सोनू। आई ऑलवेज डू वॉट यू वॉन्ट बट यू आर सो अनग्रेटफुल। इवन टूडे यू आर रिक्वेस्टेड मी टू विजिट दिस गार्डन वेन यू आर हियर यू डू नॉट लाइक टू कम टू दिस गार्डन। सोनू क्या बोलता है? ओ यू आर द मोस्ट सेल्फिश। अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम एकदम मतलबी, सेल्फिश मतलब मतलबी लड़की हो और हमेशा जो तुम चाहती हो वही होता है। आज भी तुम्हें ही इस गार्डन में आना था। When you are here, you do not like to come this garden। और जब तुम यहाँ आ गई हो तो तुम्हें अभी ये गार्डन पसंद नहीं आ रहा है। रानी बिगेन टू से समथिंग बट शी कुडंट कम्प्लीट हर सेंटेंस। शी हैड सीन समथिंग मूविंग ऑन द लिटिल ग्रास। शी पुट अवर हैंड एंड caught it क्वाइटली। रानी कुछ बोलने ही जा रही थी लेकिन वो अपनी बात ख़त्म नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया होता है। क्या देखते हैं? कि समथिंग मूविंग ऑन द लिटिल ग्रास, छोटी छोटी जो घास है उसके ऊपर कोई चल रहा है। शी पुट आउट हर हैंड एंड कॉट इट क्विकली। वो अपना हाथ निकालती है और झट से उसको पकड़ लेती है। इट वॉज लिटिल फेयरी, वेरी वेरी लिटिल। इट वॉज ओनली एज बिग एज रेड। वो कौन रहती है जिसको ये रानी हाथ में पकड़ लेती है? एक बहुत ही छोटी सी लिटिल फेरी। फेरी मतलब परी। इट वॉज ओनली एज बिग एज रेड। वो कितनी बड़ी थी? एकदम चूहे की जितनी। रेड मतलब चूहा, बोली बस चूहे की जितनी वो बड़ी थी। लुक आई हैव गॉट अ लिटिल फेरी, रानी सेड टू सोनू इन अ ग्रेट जॉय। रानी बोलती देखो देखो मैंने लिटिल फेरी पकड़ा है, अपने भाई को बोलती है। लेट मी गो रिक्वेस्टेड द फेयरी, प्लीज़ डोंट हर्ट मी। फेयरी क्या बोलती है? प्लीज़ मुझे जाने दो। बहुत उनसे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे नुकसान मत पहुँचाओ। रानी डू नॉट लेट हर गो सेड सोनू, मेक हर फुल अवर 3 विशेज। सोनू क्या बोलता है? तुम उसे जाने मत देना, उसे हमारी 3 विशेज फुलफिल करने को कहो, मतलब हमारी 3 इच्छाएँ पूरी करने को बोलो। Now, Rani said, first fulfill out 3 wishes and the only I will let you go. I will fulfill your 3 wishes, said the little fairy, but they would not do you any good. Children like you can't wish for the good things, but I will fulfill 3 wishes if you want. तो लिटिल फेरी क्या बोलती है? सबसे पहले रानी क्या बोलती है लिटिल फेरी की? कि तुम हमारे 3 विशेज, 3 इच्छाएं पूरी करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो लिटिल फेरी क्या बोलती है? ठीक है, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे ऐसे अपनी इच्छाएं जिद्दी से पूरी नहीं कराते, लेकिन मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी। रानी लेट द लिटिल फेरी गो, शी फ्लू अवे।
ठीक है। तो रानी क्या बोलती है, ये अच्छी बातें नहीं है, बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। रानी लेट द लिटिल फेयरी गो, शी फ्लू अवे अमंग द ट्रीज लाफिंग। फिर रानी क्या बोलती है, ठीक है फेयरी को जाने देते हैं। नाउ व्हाट शैल वी विश, आस्क्ड सोनू। आई थिंक वी शुड विश फॉर अ लिटिल एरोप्लेन, इट विल बी टेक अस इन एनी प्लेस दैट वी वॉन्ट टू विजिट। सोनू क्या बोलता है, अब हम क्या मांगे रानी से, सॉरी फेयरी से, अब हम क्या मांगे। मुझे लगता है हमें एक छोटा एरोप्लेन मांग लेना चाहिए ताकि हम उससे कहीं पे भी जा बैठ के जा सकते हैं उसमें। नो आई डोंट वॉन्ट योर कंपनी इन द एरोप्लेन, सेड रानी। वी शुड नॉट विश फॉर एन एरोप्लेन, रानी क्या बोलती है, नहीं नहीं मुझे तुम्हारी कंपनी एरोप्लेन में तुम्हारे साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हमें एरोप्लेन मांगना चाहिए। दे स्टार्टेड क्वारलिंग। Meanwhile, Sonu wished, I wish I had a little plane to fly in. फिर दोनों का झगड़ा चालू हो जाता है। उतने ही झगड़े में सोनू बोलता है, मुझे लगता है मैं मांगना चाहता हूँ, मैं एक लिटिल प्लेन मांगूंगा जिसमें मैं उड़ सकता हूँ। At once, a little aeroplane arrived and landed near the two children. उतने में ही एक छोटा एरोप्लेन आ जाता है, लैंड मतलब उतरता है जमीन पे। वो दोनों बच्चे जहाँ खड़े रहते हैं उनके पास, देखो फोटो में दिख रहे हैं ना। सोनू इमीडिएटली गॉट इन टू इट, बट रानी वॉज वेरी एंग्री। यू आर अ बैड बॉय, सेड रानी। सोनू बहुत खुश हो जाता है और तुरंत जाके उसमें बैठ जाता है। लेकिन रानी को बहुत गुस्सा आता है, बोलती है सोनू को कि तुम बहुत गंदे लड़की हो। यू हैव वेस्टेड अ विश लाइक दिस, तुम अपनी विश हमारी इच्छा ऐसा ऐसा बर्बाद कर रहे हो। She was so angry that she caught Sonu by the arm and tried to pull him out of the aeroplane. वो इतने गुस्से में थी कि सोनू को ऐसे पकड़ के खींच रही थी कि ताकि वो एरोप्लेन से नीचे उतर जाए। देखो आप लोग फोटो में वो कैसे खींच रही है ना। You are not my brother, said Rani. I wish you to be miles away from me. रानी बोलती है, तुम मेरे भाई नहीं हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बहुत दूर चले जाओ। As soon as Rani said so, the engine of the aeroplane started. सोनू क्विकली ड्रैग रानी इन एंड द प्लेन फ्लू अवे। जैसे ही रानी ऐसा बोलती है वैसे ही एरोप्लेन का इंजन स्टार्ट हो जाता है। सोनू क्विकली ड्रैग रानी, जल्दी से रानी को खींचता है, ड्रैग मतलब खींचता है, और प्लेन जो है वो उड़ जाता है। ठीक है। यू फुलिश गर्ल, सेड सोनू, वी हैव वेस्टेड अ सेकेंड विश, ओनली गॉड नोज वेयर वी विल लैंड। सोनू क्या बोलती है, तुम कितनी पागल गर्ल हो, कितनी पागल लड़की हो, तुमने हमारी सेकेंड विश वेस्ट कर दी, अब भगवान ही जानते हैं हम कहाँ उड़ के जाएंगे। दे फ्लू इन द एयर अलॉन्ग अवे, देन द प्लेन लैंडेड इन अ डेंस फॉरेस्ट। वो लोग बहुत लंबे तक उड़ते हैं, फिर जाके एक घने जंगल में एरोप्लेन उतर जाता है। द टू चिल्ड्रेन कम आउट ऑफ द प्लेन, दे वर हंग्री बट देर वॉज नथिंग टू इट। और उसमें से रानी और सोनू दोनों बच्चे उतरते हैं और वो लोग को बहुत भूख लगती है, हंग्री मतलब बहुत भूखे रहते हैं, लेकिन वहाँ जंगल में कुछ भी खाने को नहीं होता है। द टू चिल्ड्रेन, वी विल डाई ऑफ हैंगर इन दिस फॉरेस्ट, सेड सोनू, वी मस्ट गो बैक। सोनू बोलता है, हम तो इस जंगल में भूखे मरी जाएंगे, हमें वापस चलना चाहिए। There were many wild animals. They were very much afraid of these animals. They wanted to go back home, but they did not know how. वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर थे, ठीक है घना जंगल है तो जानवर तो होंगे, बहुत सारे जंगली जानवर थे और वो सब जानवर लोग से बहुत डर रहे थे, अफ्रेड मतलब डर रहे थे, और वो लोग सिर्फ यही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी घर वापस चले जाएं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि अब वो घर कैसे वापस जाएंगे। दे कम बैक इन टू द प्लेन, वो लोग क्या करते हैं एरोप्लेन में वापस आ जाते हैं। नाउ वी शैल बी वेरी केयरफुल अबाउट अवर लास्ट विश, अब होते हैं अब हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक, केयरफुल मतलब सावधानी पूर्वक, बहुत ही सावधानी पूर्वक हमारी लास्ट मतलब थर्ड विश मांगनी पड़ेगी। दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हाउ टू गो बैक होम, और वो दोनों भाई बहन बैठ के सोचने लगते हैं कि हम घर कैसे वापस जाएं। I think we will have to use our last wish to get back home, said Rani. Little aeroplane, I wish you would take us home. रानी क्या बोलती है, मुझे तो लगता है कि हमें आखिरी विश यही मांगना चाहिए कि हम घर चले जाएं,
तो वो अपने एरोप्लेन को बोलती है, लिटिल एरोप्लेन आई विश यू वुड टेक अस, मैं आपसे विश करती हूँ कि आप हमें हमारे घर वापस ले चलो। द इंजन स्टार्टेड एंड द एरोप्लेन फ्लू हाई अप इन द स्काई। सुन दे वर बैक इन द गार्डन अगेन, दे गॉट आउट ऑफ द प्लेन। तुरंत जैसी रानी ऐसे एरोप्लेन को बोलती है कि मैं आपसे इच्छा करती हूँ, आपसे विश करती हूँ कि आप हमें वापस ले चलो घर, उतने में इंजन स्टार्ट होता है और एरोप्लेन उड़ जाता है ऊपर। सुन फिर तुरंत वो लोग गार्डन में वापस आ जाते हैं और एरोप्लेन से उतरते हैं। हाउ वी हैव वेस्टेड अवर विश, सेड सोनू एज दे वर टेकिंग टू ईच सॉरी एज दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, द लिटिल फेयरी अपीयर्ड अगेन एंड जम्प्ड इनटू द प्लेन। फिर सोनू बोलते हैं हमने हमारी विश कैसे वेस्ट कर दी ना। दोनों भाई बहन आपस में बात करते रहते हैं, उतने में ही लिटिल फेयरी वापस आती है और प्लेन में कूद जाती है, जम्प्ड इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर बैठ जाती है। Those children who quarrel always do stupid things, said the little fairy. You have wasted your wish. What silly children you are. Little fairy क्या बोलती है, तुम दोनों हमेशा आपस में झगड़ते रहते हो और बहुत ही stupid things जिसका कोई value नहीं होती वही चीज़ें करते हो। आप दोनों ने अपनी wish जो है waste कर दी, क्या silly, क्या पागल बच्चे हो आप लोग। Then the little fairy disappeared with the plane. The children were very sad. उसके बाद जो little fairy थी वो aeroplane में बैठ के चली जाती है और जो बच्चे हैं वो बहुत उदास हो जाते हैं। Sister Rani, we shall never quarrel again, said Sonu with tear in eyes. फिर सोनू क्या बोलता है अपनी बहन रानी को, बहन अब हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। उसकी आंख में आंसू रहता है और वो बोलता है हम अब कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़े में ही उन्होंने एरोप्लेन को बुला लिया था, फिर एरोप्लेन छोड़ के लोग झगड़ने जंगल में चले गए, फिर वापस घर आए, तो ऐसे जो उनकी 3 विश थी वो क्या हो गई, वेस्ट हो गई। क्यों? लड़ाई झगड़े के कारण। इसलिए हमें हमेशा अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे से रहना चाहिए, कभी भी उनसे झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। कभी कभी बहन भाई हैं तो झगड़ा लड़ाई तो हो ही जाता है, लेकिन हमें हमेशा बहुत जल्दी उस झगड़ा लड़ाई को सुलटा लेना चाहिए और हमेशा लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसके नोट्स दूँगी। ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे।